फिरोजी की वजह से शहर में हुए दंगों पर गृह मंत्री ने चिंता व्यक्त की है। इस घटना में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता के अनुसार, जब देखो खून खराबा, लूट मार, बम ब्लास्ट, लगता है टीवी वालों के पास कोई अच्छी खबर है ही नहीं। तबीयत ठीक नहीं है, दवाई वाई ले लो। अब आप खड़े रहेंगे, नाश्ता कीजिए ना, बैठ जाइए। दीदी जल्दी बाहर आ जाओ वरना पापा घर मंदिर जाने वाली साड़ी पहना देंगे। कैसी लग रही हूँ? सबको दिखता है। अर्जुन सिंह भाई साहब आ गए। टाइम क्या हुआ? अरे अभी तो 8:30 बजे हैं। वो तो पिछले महीने से बजे हैं। कई बार कहा है ये पुरानी हो गई है, इसे बदल दो। ये घड़ी मेरे पिताजी ने आपको शादी में दी थी, याद है? आपके पिताजी ने तो शादी में आपको भी दिया था, तो आपको भी बदल के नहीं ले आऊं? बदल कर देख, गर्दन तोड़ दूंगा। भाई साहब ये आप ही का कसूर है, ये शादी आप ही ने करवाई थी। इसीलिए तो कहता हूँ, खबरदार मेरी रुकी को कुछ कहा तो ला हाथ दे। क्यों भाई साहब? हथकड़ी लाया हूँ तेरे लिए। रुकी ने तेरे खिलाफ बहुत सारी FIR दर्ज कराई हैं। भाई साहब मेरा जुर्म क्या है? तेरी कंजूसी। लवली जन्मदिन मुबारक। तू क्या समझता था पार्टी देने के डर से तू भूल जाएगा तो मैं भी भूल जाऊंगा? भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। भाई साहब घड़ी तो बहुत शानदार है, पर आपकी उम्र लेके मैं क्या करूँगा? अभी कुछ ही महीने तो बचे हैं आपकी रिटायरमेंट में। भाई साहब अपने रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचा है, क्या करेंगे उसके बाद? अब वापस गांव लौट जाना चाहता हूँ रुकी, पोते पोतियों को खिलाऊंगा। सरकार की नौकरी तो बहुत कर ली, अब अपनी मिट्टी की नौकरी करूंगा। भाई वो पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है कि नहीं? जी हाँ भाई साहब, इनका जन्मदिन और आपकी विदाई के लिए हमने आशा में छोटी पार्टी रखी है। एक पंत दो काज। वेरी गुड। अरे मेरे शेर शेर नहीं कहा भाई? ए राहुल आजा मेरे शेर। अगर टांग टूट जाती तो? कैसे टूट जाती, देसी घी का कमाल है, अच्छे अच्छों को उठाया है, फिर फूल जैसे बच्चे को नहीं उठा सकता। ताई जी आपको पता है मेरे कॉलेज में फैशन शो है। अच्छा हाँ। तुम ये कपड़े पहन के कॉलेज जाओगी? क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? आजकल तो सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। सुना, आजकल सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। और क्या, तेरी मेरी तरह वर्दी पहनकर कॉलेज जाएगी? बात करता है। काजल बिटिया बहुत खूबसूरत लग रही है, टच वुड। भाई साहब आपने सारे घर को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। तू चुप रह कंजर। अरे बड़ा वही होता है जो बच्चों को साथ लेकर चलता है। सत्य वचन भाई साहब। अब यही खड़े रहना है कि ड्यूटी पर चलना है? चल। कुर्सी पकड़ के बैठा है, ऊपर से कहता है कि इस देश के गैर कानूनी धंधों को ताला लगवाएगा। हमारे लॉबी के लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हम अपने आदमी को सीएम की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाते।
कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा इस सीएम को? दूसरी तरफ पुलिस आपके पीछे पड़ी है। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप इस घटिया खिलौने से। सिकंदर, ये खिलौना नहीं, मौत का पैगाम है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो जिगर मेरी जान है यार। भाई ये चीफ मिनिस्टर, मैं मार डालूंगा इसे। रिलैक्स रिलैक्स छोटे रिलैक्स, मैं हूं ना तेरा भाई, मैं हूं ना। ये मेरा काम है, तेरा काम नहीं। और मेरे जीते जी तू कोई मौत का खेल नहीं खेलेगा, समझा ना? क्या तेरे दामन पे मैं कोई दाग नहीं देखना चाहता। तेरा नाम मैंने सिकंदर क्यों रखा है जानता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू राज करे। राज, मैं इस मुल्क को तेरा गुलाम बना दूंगा, इसकी नसों में इतना नशा भर दूंगा, इतना नशा भरूंगा कि हर जवान बनावट कर दूंगा, आतंक का वो बाजार लगाऊंगा कि चारों तरफ हमारे बारूद होंगे। वो सिकंदर था जो भाग गया, मगर हमारा सिकंदर राज करेगा। और रही बात सीएम की, उसका खेल तो खत्म हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज उन्हें संबोधित कर रहा हूं जो कल इस देश का भविष्य बनेंगे। आज हमारे देश में जहां चारों तरफ दंगा फसाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की आग फैली हुई है, इन हालातों में हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति और बढ़ जाती है। नेता हो या अभिनेता, आपको नजदीक से देखने का बहुत शौक है। भी कोई जाने का तरीका है, जाते जाते अपनी उम्र मुझे दे गए भाई साहब। पता नहीं कितने सपने देख रखे थे, 6 महीने बचे थे रिटायरमेंट में, जाना मुझे था, मगर भाई साहब ने जगह बदल ली, मेरी मौत अपने सर ले ली भाई साहब ने। जिंदगी का क्या भरोसा, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। एक भाई से बढ़कर थे वो, सब एक झटके में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि वो अब वो कभी मेरा नाम लेकर नहीं बुलाएंगे, हम लोग कभी एक साथ ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। जो होना है सो तो होता ही है, ये सब नसीब का खेल। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, ये सारा आतंकवाद। अभी भी रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, पता नहीं बचूंगा कि नहीं। शुभ शुभ बोले जी, ऐसी बातें मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए ना, वो सब ठीक कर देगा। पापा। बस बेटे बस। पापा ताया जी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं। कुछ नहीं होगा तेरे पापा को। अर्जुन ऐसे क्या देख रहा है? कल तक इस कुर्सी पर भाई साहब बैठा करते थे, हर पल हर वक्त मेरे साथ। लगता है भाई साहब की जगह कोई नहीं भर सकता। जख्म और कुर्सी, वक्त सब भर देता है साहब, ये कुर्सी भी भर दी गई है। हाँ साहब,
कमिश्नर साहब ने पंजाब पुलिस में से एक खास ऑफिसर बुलाया है, वही आपका नया पार्टनर है। पंजाब पुलिस और मुंबई में दो दिन नहीं टिकने वाला। वैसे ही आपके पंजाब के ऑफिसर हैं कहाँ? लस्सी पीने गए हैं? ये देख नहीं साहब, वो जेवियर कॉलेज में। सर, जेवियर कॉलेज में ड्रग पेडलर को कॉलेज के सिक्योरिटी ने पकड़ा तो ड्रग पेडलर ने उन्हें मारकर पूरे कॉलेज में दहशत फैला दी। काफी स्टूडेंट्स को अपने कब्जे में कर लिया है। पुलिस ने कॉलेज को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर किसी भी स्टूडेंट से कुछ हुआ तो तुम लोग पुलिस को बताओगे। अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम लोग यहाँ से बचकर किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ तीन रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं, अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका गलत है। भाई, मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं। कल का छोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पागल है पागल। मैं पागल हो जाऊंगी निशा। किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरोइन को भी ऐसे नहीं बचाया जैसे उसने मुझे बचाया। ओके बाबा, ओके। He's too much. He's my hero. बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। पुलिस में सिर्फ दलेरी से काम नहीं चलता, अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। अयो रब्बा, क्या उसमें जरा सी भी अक्ल नहीं है? मेरी अक्ल तो फेल हो गई निशा। He's so handsome. He's so cool. He is Superman.
मैन यू टू मच यार। मैंने सोचा था रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, आराम से कट जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट तक। मैम कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी ना है भाई। अरे बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, मैं तो फंस गया। बस तो मैं गई हूँ यार। ओ निशा, ही इज माय ड्रीम मैन, ही इज माय हीरो। तुझे पता है जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई, ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं, मगर दूसरों के तो बीवी बच्चे हैं। खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। ए चुप करो यार। राहुल, ये पापा को क्या हो गया यार? आई थिंक इट्स प्रोफेशनल जेलेसी। हाँ रास्कल, लकी रास्कल, कैसे सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओ थैंक यू। हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी? करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं, मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को, इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पुत्र तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है
तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सके। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर? अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रहकर भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? Sorry. What sorry, man? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. Bill ek mantan hai, Bill to pagal hai, Bill to diwana hai. Khaya piya kuch nahi. I'm Bill de chuka hai sanam. Yeah. Nashe mein hai. Nashe mein hai, host mein hai, man. Nashe dekhte hai to club 2000 jao. नशा वहां से कहां कहां सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ। यू कैन डू इट मैन। देखा है, क्लब 2000 मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। मैं पहली बार इस तरह के क्लब में आ रही हूँ, अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी फुल ऑफ फन मैन एंजॉय मेक द बेस्ट ऑफ इट। मेरी ड्रेस कैसी लग रही? गॉर्जियस। आई एम रियली नर्वस यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। एक्सक्यूज मी, ए तू कहां जा रही है मुझे छोड़कर? रिलैक्स काजल, मैं अभी आ रही हूं। हैव अ ड्रिंक। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। और ड्रिंक तो यहां दिखा नहीं पीता, तो की पीता तो क्यों का जा। आई मिस्ड यू। कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? टेंशन? इट्स ओके। तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे। गुड, रियली गुड। सिकंदर, जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ। मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो। फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए। एक अजीब सा डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों। आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। आई लव यू। आई लव यू टू। सर,
यस सर, वो नीचे एसीपी करण। ओके, तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो। राइट सर। ओह माय गॉड, मैं कैसी लग रही हूँ? यू थिंक करण ने मुझे नोटिस किया? व्हाट रबिश। एक्सक्यूज मी, हाय। हाय, याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में? कॉलेज में, टेरेस के ऊपर। कॉलेज में कौन सा? हाँ, टेरेस कॉलेज जा, कॉलेज टेरेस जा, कौन सा कॉलेज जा के मंजिल मानो में? अरे कौन सा कॉलेज जा, कॉलेज किधर गया? ठीक है तो एक्सक्यूज मी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? हाँ पहचाना नहीं। याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे, जब वो गुंडे आ गए थे? गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरिस पे बात में लगा चाइनीज गुंडा? टेरिस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं, एहसान नहीं, थैंक यू करना चाहती हूँ। आई एम अर्जुन सिंह पापा। नहीं, अर्जुन सिंह इज माई डॉक्टर। नहीं नहीं, आई एम काजल, आई एम अर्जुन सिंह डॉक्टर। नाइस टू मीट यू। सेम है। इशारा मुझे लगता है प्यारा, यूं करती है चोरी चोरी पतियां सजन तेरी चोरकियां, चोरकियां दिल कड़या पता भी न लगया सजन तेरी चोरकियां। तेरे जाए दुनिया, वाले लगा के होठों से, लगा के होठों से।
दे सोनिया मुझको इश्क दे प्याले इशारा मुझे लगता है प्यारा अखदा इशारा मुझे लगता है प्यारा यूं करती है चोरी चोरी बत्तियां सजन तेरी चोरकियां चोरकियां दिल कटे अब तावन लगे सजन तेरी चोरकियां साथ पैसे माल बेसमेंट में मीटर डाउन करो टिक फिर मिलेगा प्लीज पापा से कुछ मत कहना ओके बाय थैंक यू सेम है गावा साहब वो एसीपी करण सिंह ने अचानक क्लब में धाड़ मार दी और हमारा 15 करोड़ का माल भी पकड़ा गया सर हमारे 6 आदमी भी मारे गए सर और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ ये खून का रंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है यार ये इसी भी गन कौन है May I come in, father? Yes, come in, please. Some donation for the kids. Oh. इतनी सारी रकम? अब रहिए मत. मैं एसीपी करण सिंह हूँ. ये इनाम की रकम है जो हम पुलिस वालों को मुजरिमों को पकड़ने से मिलती है. Thank you, my son. God का काम करने का तरीका भी बड़ा mysterious है. अब देखो ना. बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे. Excuse me, father. वो तुमने पूरे कर दिए. Oh. Happy birthday, son. Thank you, father. God bless you, my child. Happy birthday. God bless you. Thank you, sir. ये कबीर है. Actually, मैं नहीं जानता इसका बर्थडे क्या है. दरअसल 6 साल पहले आज ही के दिन ये हमें एक गार्बेज बॉक्स में पड़ा हुआ मिला था और मैं इसे यहाँ ले आया. एक अनाथ को जिंदगी मिल जाए उससे अच्छा और क्या हो सकता है. You are right, son. You like this teddy? ओफो, teddy से क्या होना यार? यहाँ पे teddy, घर में daddy. काश वो आ जाए, मैं हो जाऊंगी ready. मेरी life हो जाएगी लड़की. My God, मेरा hero, मेरा hero. Oh God, now what? अरे ऐसी नाचती रहेगी ना जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी. Go tell him. क्या? That you love him. That you love him. अच्छा, तेनू किन्हें दस्या?
मैं हीरो हूँ। हाय, हाय। अब प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो हर जगह है। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, उधर प्रॉब्लम है, एवरीवेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी बड़ी? 5 फुट 5 इंच। मैंने तुम्हारी हाइट नहीं पूछी, तुम्हारी प्रॉब्लम पूछी है। एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आप समझ नहीं रहे, और जो मैं समझ रही हूँ वो आप कहना नहीं चाहते। तो एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मतलब क्या है? मतलब मेरी एक फ्रेंड है निशा, वो मुझसे कह रही थी मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बच्चों की माँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। इसने कहा You know she loves you. इसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। But you know you really got a problem. Hey, what problem? Everywhere there is a problem. कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम, कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कंपटीशन, एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड प्रॉब्लम। पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? आई एम फ्रॉम इंटरपोल, ऑल पोल खोल। यू नो द प्रॉब्लम, आई नो द प्रॉब्लम। शी इज लविंग यू, यू आर नॉट लविंग हर, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। देयर आर एवरीवेयर शॉपिंग सेंटर्स बट नो लव सेंटर। We need love center. What do you think? Love is also valto chit. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. Kaho na pyar hai, kaho na. Bas kar apna drama, nahi to marunga terko. Mujhe maar kar kya milega? Osaka Shipping Corporation ke godown mein itna asla aur barut pada hua hai. Zara se bhi der ho jaye, to desh ke hazaron masoom jaan se jayenge. Osaka Shipping Corporation. Meter down karo, taxi phir milega. किसी ना किसी मोड़ पर। देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिस मैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा जी, और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया, चलें। आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है।
और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। उस हरामखोर ने हमारे इतने गोदाम चला दिए, करोड़ों का नुकसान कर दिया, और आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? खेल को और मजेदार बनाने का। शिकार का मजा तभी आता है जब वो जल से पकड़ में ना आए। जिंदगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उड़ने दो उसे, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मजा आएगा। सिकंदर कहीं इतना ऊपर ना उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए। मौत से कोई ऊपर नहीं उड़ सकता सिकंदर। थैंक यू। ओए मां, मैं मर गई। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जानती थी आज कुछ होगा। सुबह से ना मेरी बायां फड़क रही थी। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। यू थैंक यू। ये कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। ये यही करण सिंह है। अच्छा अच्छा, बेटे अंदर आ जाओ, बारिश हो रही ना, थम जाए तब चले जाना। नहीं नहीं, अभी कम है, बाद में तूफान आएगा तो फिर जा नहीं पाएगा। बेटे अंदर आ जाओ, आप भी आ जाओ जल्दी, आ जाइए। एक्सक्यूज मी। कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े भीग गए ना, मैं सुखाकर प्रेस करवा लेती हूँ। चेंज में कहाँ? वहाँ है बाथरूम। ये मेरी बेटी है काजल। हाय, यू हैव कम टू माय हाउस, इट्स गॉड्स नेचर, सम टाइम आई लुक एट यू, सम टाइम एट फर्नीचर। ये तू क्या कह रही है? मम्मी गालिब का शेर है। ये मेरा बेटा है राहुल। हाय, ये राइट चॉइस बेबी। हाहा, सेम है। राहुल, उसे मेरा कुर्ता पजामा देने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या मैं उसे अपनी साड़ी दे देती? आप भी ना है भाई। ये दिन ऐसे काटे हुए क्यों हैं? पापा अपने रिटायरमेंट के दिन रोज गिन गिन के काटते हैं। बारिश थम गई है, तुम्हें देर हो रही होगी। तड़के की खुशबू आ रही है। खाना लग गया है, चलो। इन्हें देर हो रही है, रोकोगी तो फिर बारिश शुरू ना हो जाए। अरे पहली बार हमारे घर आए, बिना खाए कैसे जाने दूंगी मैं? जब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम चाहो तो कर सकते हो। अरे वैसे सर, खाने में क्या क्या बना है? तुम चलो तो मेरे साथ, माँ की दाल बनी है। भाई दाल तो वाकई बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी। ये आपने दही बड़े तो लिए ही नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे खाना तूने ही बनाया। तो क्या हुआ, बनाया नहीं? सॉफ्ट तो कर रही हूँ ना। वैसे मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये लो। ये क्या बेटे, खाते हुए हाथ नहीं रोकते, अब शकुन होता है। तुमने पनीर तो लिया ही नहीं। क्या हुआ? लगता है इनके गले में खाना फंस गया। आप पानी पी लीजिए ना। हाँ पापा, पानी पी लीजिए। आप कुछ लेते क्यों नहीं पापा? पी लीजिए ना पानी। अभी बताता हूँ पापा के बेटे। अरे लो बेटा, मीठा खा लो। अगर मैंने ये सब खा लिया ना तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। आपके लिए गेस्ट रूम में बिस्तर लगवा दो। आप भी जरा मुंह मीठा कीजिए ना, अपना राहुल है ना। अच्छा माँ जी, मैं जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, फिर आता हूँ कहते, और आते रहना। हाँ जी।
खुश रहो। बाय राहुल। बाय बड़ी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज छोड़ने आओ? हो सकता है, पर तुम्हारे पापा की सिर्फ दो ही टांगे हैं ना, हर रोज तो नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ हो। क्या हुआ? होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। डॉक्टर
गॉड पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। एसीपी करण सिंह का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला, पुलिस चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही है, जैसे कुछ मैसेज मिलेगा मैं आपको फोन करूंगी। और काजल, 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 करण, करण तुम ठीक हो गए ना? I'm so happy, thank God. मुझे लगा था कि नहीं, I'm so happy. करण, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं भी अपनी जान। सेम है। अरे सेम है? अरे तो इन्हीं की दुआओं का फ्लेम है जो मिल गया तुझको जिंदगी का नया फ्रेम है। जल्दी से आई लव यू बोल डालो, यही तो करेक्ट टाइम है। आई लव यू। खत्म ना हो मोहब्बत की बातें, ये मेरी जिंदगी अब तेरे नाम है, तू है मेरी सुबह तू मेरी शाम है, दिलबर तुझे ये मेरी जिंदगी अब तेरे नाम है, तू है मेरी सुबह तू मेरी शाम है, दिल पर तुझे प्यार करना अब मेरा काम है। Yeah.
नहीं जानता है ये मेरी जिंदगी अब तेरे नाम है तू है मेरी सुबह तू मेरी शाम है दिल भर तुझे प्यार करना अब मेरा काम है ससुर वाली आ गए उतर के ससुर का आशीर्वाद लो अरे तुम्हारे प्यार में ससुर का क्या कसूर समझे क्या हुजूर ओके बाय ओके बाय जब कभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आता है तो क्या ओके बाय बोलता है तो फिर तुमने कभी इंग्लिश पिक्चर नहीं देखी है अरे घे 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 अरे घे उन टॉक कुटे टाकला ओके बाय सेम है अरे साहब तुम भी क्या मानुस है कि बोलती कुछ है तुम करता कुछ है अरे दिल का सौदा है कर डालने का मैंने तो मौत के साथ सौदा किया था बच कैसे गया साला लगता अच्छी नस्ल का शिकार है बड़ा मजा का खेलने का आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो भाई छोटे खतरनाक उसके लिए है अपने लिए नहीं मुझे इस खेल का अंजाम मालूम है खबरदार अंजा करण से मिली तो आखिर मेरा कसूर ही क्या पापा आई लव हिम शट अप प्यार करना कोई गुनाह नहीं है पापा आई से शट अप काजल मां मां तू अंदर जा मैं बोल रही ना अंदर जा आप बिना आए भाई आखिर क्या बुराई है करण में तुम समझती हो मैं काजल का दुश्मन हूँ पर करण तो अच्छा लड़का है करण से काजल की शादी हो करण से इसकी शादी खुदकुशी होगी वो एक पुलिस वाला है काजल पहली लड़की नहीं होगी जो एक पुलिस वाले से शादी करना चाहती है मैंने भी तो एक पुलिस वाले से शादी की थी मुझ में और करण में फर्क है वो पागल है रुक्मणी मैं उसका पार्टनर हूँ हर रोज सुबह जब मैं उसके साथ ड्यूटी पर जाता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि शाम को जिंदा लौटूंगा या नहीं वो जीती जागती मौत है जिसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं वो काजल की जिंदगी की क्या परवाह करेगा मैं जीते जी अपनी बेटी को आग में नहीं ठोक सकता बस तो आप अपने डर के लिए काजल की खुशी छीन लेना चाहते हैं रुक्मणी तुम समझती क्यों नहीं तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी को विधवा होने का आशीर्वाद देकर डोली में बिठाऊं नहीं किसी कीमत पर नहीं नहीं करण भैया मैं किक नहीं मार सकता मैं नहीं खेल सकता कबीर तुम किक मार सकते हो दूसरे बच्चों की तरह तुम भी मार सकते हो चलो नहीं भैया मैं किक नहीं मार सकता बेटे तुम्हें किक मारनी होगी नो भैया आई कांट देखो अगर तुम किक नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा नो भैया आई कांट यू हैव टू किक कबीर आई कांट भैया आई कांट यू हैव टू किक नो भैया आई कांट चलो कम ऑन किक नो यू हैव टू किक नो भैया आई कांट यू कैन डू इट मैं किक नहीं मार सकता कम ऑन कबीर यू कैन डू इट कम ऑन किक जी हाँ मैं जानती हूँ तुम हर संडे को आश्रम के बच्चों के साथ खेलने आती हो करण एक बात पूछूं तुमने उस बच्चे को किक मारने के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों की उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसकी जिंदगी में जब भी उसका हौसला पस्त होगा उसे ये किक याद आएगी उसे याद आ जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है एक अपाहिज नहीं है मेरी तरह मतलब जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए मेरे जीने का हौसला टूट गया एक अपाहिज की तरह I'm so sorry, Karan. मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे उनका सपना था कि मैं एक एथलीट बनूं जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया वो देखने के लिए जिंदा नहीं थे मेरे माता पिता को किसी मुजरिम ने मार डाला था मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उस हत्यारे की तलाश में जो नफरत मेरे दिल में मुजरिमों के लिए है तो मेरे माता पिता के प्यार से जन्मी है तुम्हें पता है करण
पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूँ। वो चाहते हैं मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन आई डोंट केयर। वो ठीक ही तो कहते हैं, तुम्हें तो मेरे साइज से भी दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम हो किसकी साइड पे, मेरी या पापा की? अब कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा कुछ मत बोलो, आई लव यू बोथ। सेम है। आई लव यू भी नहीं बोल सकते बुद्धू कहीं के। ओ, ये पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन, जिसे देखो चला रहा है। ए, तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए नायका, अरे ये क्यों रही है? चुप कर, नीचे सारी जिंदगी तुझे पाला पोसा और आगे भाग के इसके साथ। चुप करती है कि नहीं? चुप कर। चल चल, सलाम साहब, क्या चार्ज है इस पर? सारी बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ, माँ है? किसका मर्डर किया इसने? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी पेड़ियां डालकर डंडे मारकर घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उसे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुनिए सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है, मेरे को कानून सिखाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। वाई टेल मी वाई? हाँ आपने केस देखा ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। हिट मी। इसे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर, सर हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिग हूँ सर। अगर आप बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप ना कानून। यस ओके, डोंट वरी, आई विल बी देयर। यस ओके फाइन सर। ओके इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमी को बिना चेक किए क्यों जाने दिया? सर आप इन्हें नहीं जानते, ये हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिकंदर हैं। यही तो सीएम साहब की पार्टी के खास मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी चेक करना तो तौहीन होगी सर। अच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पहचान करनी ही पड़ेगी। Have we met before? क्या पहले हम मिल चुके हैं? जो एक बार मुझे मिलता है वो कभी भूलता नहीं। आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सबको याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता। Hi, how are you? आप जैसे लोग दुआ करते हैं कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मिस्टर, इस शहर की आबोहवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत की गोलियां अपने साथ रखता हूँ, फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं दूसरों को खानी पड़ती है। एनी प्रॉब्लम सिकंदर, भीतर आपका इंतजार हो रहा है। ऑफिसर टेक योर पोजीशन। ओके सीएम साहब, आप चलिए मैं अभी आया। ओके ठीक है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा, ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं। सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते, यू कांट टच मी। मैं तुझे छूने नहीं, मिट्टी में मिलाने आया हूं। जमीन के दो गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं कावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अच्छा सपना है, देखते रहो। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूं।
हेलो काजल, मैं निशा बोल रही हूँ। क्या बात है, बड़ी घबराई हुई सी लग रही है। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? मुझे डर लग रहा है काजल, कहीं कुछ हो ना जाए। देख, घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम ले यार। मैं अभी तेरे घर आती हूँ, फिर हम दोनों पापा के पास जाएंगे। यू नो ना, पापा इज इन पुलिस, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेंगे। थैंक यू काजल, थैंक यू। ए चुप, यू इडियट, जस्ट वेट, मैं आती हूँ। हाय अनी, कहीं जा रही हो क्या? लीव मी, जस्ट लीव मी अलोन। आई कांट लिव विदाउट यू हनी, आई लव यू, रियली लव यू हनी, आई लव यू। बुलशिट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट इज दिस? सिर्फ एक चीज। व्हाट डू यू मीन बाय इस्तेमाल करता रहा हूं? कम ऑन हनी, लेट्स हैव फन। डोंट जज मी, डोंट। मैंने सोचा था शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, शायद मेरे लिए तुम अपने रास्ते बदल दोगे। कट द शिट, प्यार व्यार, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, जस्ट फॉरगेट इट। तुम भूल गए ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे अभी तक उस गंदगी को तुमने गिरवाया नहीं। ओके, हम आज ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा देते हैं। नहीं, ये मेरे लिए गंदगी नहीं है। सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लो। हट, अगर इसी तरह मैं हर उस लड़की से शादी करने लगा जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस शहर के ना जाने कितने नाजायज बच्चों का बाप बनना पड़ेगा मुझे। नहीं, जाओ मेरे रास्ते से, वरना। You bloody bitch, बोल, क्या कर लेगी वरना? बोल, बोल। मैं चिक-चिक के तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को बता दूंगी। क्या? सिकंदर की दुनिया वन वे स्ट्रीट है, इसमें लड़कियां आ तो सकती है लेकिन वापस जा नहीं सकती। कहां जाना है तुम्हें? हम भेजेंगे। बोला था ना, बहुत जल्दी थी ना जाने की, मना किया था कि कहीं नहीं जाने का। नामा पूरा हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर, सर, नीचे एम्बुलेंस आ गई है। इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दो। ओके सर। पापा निशा, घबराओ नहीं बेटे, जो कुछ तुम्हें याद है इत्मीनान से बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लाश के पास से हमें ड्रग्स की सिरिंज मिली है। ड्रग ओवरडोज का केस लगता है, इसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भिजवा दो। ओके सर। नहीं पापा, निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। हो सकता है तुम्हारे सामने ना लेती हो। नहीं पापा, मुझे पता है निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं यहाँ की कार्रवाई खत्म करके फिर आता हूँ। तुम ठीक कह रही हो काजल, निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिए क्योंकि सिरिंज का निशान उसके गले पे था। काजल, जब तुमने उससे फोन पे बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा? वो बहुत डरी हुई थी, उसने मुझे जल्दी आने को कहा, लेकिन मैं, उसे कोई खतरा था। किससे? कोई नाम, कोई पहचान? मुझे नहीं पता। काजल देखो, तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो, इसलिए गौर से सोचो, तुमने कुछ ऐसी कुछ अजीब सी चीज देखी हो जिससे तुम्हें कुछ? नहीं, सिर्फ एक आदमी मुझसे टकराया था जब मैं लिफ्ट में जा रही थी, लेकिन वो, इसका मतलब तुमने कातिल को देखा है।
नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा? पता नहीं। तुम इस केस की चश्मदीद गवाह बनोगी? नहीं, लेकिन मैं उसे... तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? जाओ घर जाओ। काजल निशा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है अर्जुन सिंह जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया काजल? क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा है? इसने कत्ल नहीं देखा, लेकिन कातिल को लिफ्ट से निकलते हुए जरूर देखा है। मैं इससे बात कर रहा हूँ। क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा है? नहीं पापा। तो फिर ये चश्मदीद गवाह कैसे बन गई? इससे गवाही देने की जरूरत नहीं, हम ये झूठी खबर मीडिया में फैला देंगे कि पुलिस के पास कत्ल का चश्मदीद गवाह है। तुम्हारे शहर में पुलिस वाले कौन सी किताब पढ़ते हैं? एक झूठी खबर मीडिया में फैलाकर कि पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल गया, क्या हासिल कर लोगे तुम? मेरा ख्याल है मुंबई की पुलिस ने भी वही किताब पढ़ी है जो साड़ी पुलिस ने पढ़ी है। आप खुद सोच लीजिए। तो तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो ताकि खबर पढ़ के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो। इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो। खबरदार, अगर मेरी बेटी को इस केस में उलझाने की कोशिश की, याद रहे भूल कर भी कोई उल्टा सीधा बयान मत देना, मुंह मत खोलना बिना मुझसे पूछे। जाओ। क्या निशा का मर्डर हुआ था? हाँ, उसने ड्रग का ओवरडोज खुद नहीं लिया था, कोई और था जिसने उसकी गर्दन पर सुई लगाकर उसे ओवरडोज दिया। जाहिर है कि ये वही शख्स है जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी। ओह माय गॉड, निशा प्रेग्नेंट थी? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है कि शी वाज प्रेग्नेंट। मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। इसलिए उसने मुझे फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया था, उसे अपनी जान का खतरा था। अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसका खूनी आज भी आजाद घूम रहा है, शायद फिर किसी निशा को अपनी हवस का शिकार बनाने की तैयारी कर रहा होगा। नहीं करण, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह जैसे भी तुम कहो। मगर तुम्हारे पापा तुम्हें गवाह नहीं बनने देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन करण, शादी से पहले तो एक लड़की पर उसके पिता का हक होता है ना, उसे उनकी मर्जी से चलना पड़ता है, लेकिन शादी के बाद उस पर उसके पति का हक होता है। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं बालिग हूँ, ओल्ड इनफ टू मेक माई ओन डिसीजंस, बस तुम एक बार मुझसे पूछ कर तो देखो। अगर आप इस शादी में नहीं चाहेंगे तो कन्यादान कौन करेगा? मुझे अफसोस है रुक्मणी कि तुम भी काजल के इस बचपने में उसका साथ देना चाहती हो, और चाहती हो कि मैं भी वहां खड़ा रहूं जब वो अग्नि के सामने साथ फेरे ले, ये जानते हुए भी कि उसी अग्नि में कुछ पल बाद उसकी सारी खुशियां जलकर राख हो जाएंगी। काजल को करण पर भरोसा है और मुझे उसके भरोसे पे भरोसा है, इसलिए आज एक माँ का आशीर्वाद उसके साथ होगा जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर रही होगी। नहीं, ये शुरुआत है एक अंत की, और मैं इस बर्बादी का गवाह नहीं बनना चाहता। अगर ये शादी होगी तो मेरे बिना होगी। आओ बेटी। Excuse me. Happy married life. Taxi तैयार है, मिट डाउन है, ओके? Honeymoon, yeah. काजली मेरा घर है, लेकिन आज से तुम्हारा नहीं, हमारा। चलें। करण, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। I'm so happy. करण, हमारी शादी हो गई है। I'm so thrilled. अच्छा, एक बात बताओ, मैं बिल्कुल वैसी बीवी हूँ जैसा तुमने सोचा था, या उससे बेहतर? बेहतर ना? सेम है। सेम है? मेरी जैसी और कोई दूसरी नहीं हो सकती करण, मजाक में भी मत कहना।
मैं जिंदगी में सब कुछ बांट सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। क्या देख रही हो? देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। ये क्या क्या सिकंदर तूने? अरे ये क्या क्या सिकंदर तूने? पहली गलती तूने ये की कि तूने उस लड़की को अपने हाथों से मार दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिंदगी में कुछ भी करना मगर अपने दामन पर कभी खून के दाग नहीं लगने देना, वो मेरा काम है, मेरा काम। क्या किया तूने यार? तुझसे कहा था ना मैंने? कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर काय को किया ऐसा? ऊपर से दूसरी गलती, उस चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़ आया, और गवाह भी कौन? एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और दूसरी पुलिस ऑफिसर की बीवी। तो भाई की सुनता कहाँ यार? गलती हो गई भाई, लेकिन मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूंगा। अरे तू क्या ठीक करेगा? तू क्या ठीक करेगा? ये कोई गणित का सवाल नहीं है, जो तू रबर लेके उसे साफ कर देगा। ये खून के दाग है छोटे, ये खून के दाग है, ये ठीक कर देगा। अरे देख क्या रहा है, जाकर टपका दो उन दोनों को। से हिलना मत, ये लो। था मैं एक बुरा सपना हूं, कहा था ना? करोड़पति में आपका स्वागत है। आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल, राम कहां बसे थे? ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत, और डी रोम। जवाब गलत है। राम रोम में बसे थे। आप लोगों ने गाना नहीं सुना?
मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। नाइस बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही थे, राम भारत में बसे थे और हर बच्चे के मन में बसे हैं। इसलिए आप लोगों को एक एक पेप्सी दिया जा रहा है। अगला सवाल, गाड़ी का एक टायर पंचर होने के बावजूद भी दिल्ली से आगरा तक नॉन स्टॉप गाड़ी पहुंची। आपको यह बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था। ये आगे का लेफ्ट टायर, बी आगे का राइट टायर, सी पीछे का टायर, या फिर डी डिक्की में का टायर। अभी भी आपके पास 3 लाइफ लाइने हैं, आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी डिक्की में का टायर लॉक कर दिया जाए। आप 80,000 जीत रहे थे, अब आप 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब, डिक्की में का टायर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर घायल कर दिया। आपको बताना होगा ई, क्या शेर भाग रहा था, बी शेर सो रहा था, सी शेर नाच रहा था, या डी शेर खुजा रहा था। शेर भाग रहा था। कंप्यूटर जी, लॉक कर दिया जाए, शेर भाग रहा था। यस। ये गलत जवाब है, शेर खुजा रहा था। उसका गोली लगी पंजे पे और सर पे, फैडलक फैडलक। अगला सवाल है, रावण की लंका किसने ढाई? ऑप्शंस हैं, कर्ण भैया ने ऑप्शन देने से पहले बोल दिए, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। कोई लाइफलाइन नहीं यूज करोगे? कोई लाइफलाइन नहीं बची है रावण की। Are you sure? Sure. Confident? Confident. लॉक कर दिया जाए। उनको ऑलरेडी लॉक कर दिया कर्ण भैया ने अंकल। नहीं कहोगे? Have you met before? आज तुम मेरे खास मेहमान हो। कहां गए तुम्हारे पावर वाले आदमी? कोई तुझे बचाने नहीं आया? तुझे और तेरे भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। कहां छुपा है तेरा भाई? I hate your face. और से देख ले इस चेहरे को, तेरी आखिरी सांस तक ये चेहरा तेरी आंखों के सामने होगा। इसे कोर्ट ले जाने के लिए तैयार करो। मिलोट, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की, और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो इसने मार मार कर मेरी हालत कर दी। मिलोट, he's framing me in a fake case. मिलोट, I don't know, मिलोट, मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या यह सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पर हाथ उठाता तो यह साल में नहीं होता। क्योंकि मैं मारता तो यह मर जाता। यू वॉन्ट टू किल मी योर ऑनर, योर ऑनर, ही वॉन्ट्स टू किल मी, सी सी, ही वॉन्ट्स टू किल मी। Come on, kill me! I said kill me! He wants to kill me! come on, kill me! I said kill me!
I want to die. Kill me. Kill me, man. Hold. Order. Order. I want to die. I want to die. Oh, my God. Milad, पुलिस कस्टडी में मुझे मेरे मुवक्किल की जान खतरे में नजर आती है। इसे डॉक्टरी जांच की जरूरत है और हो सकता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी आई हों। इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं मिलोट कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल ले जाने की इजाजत दी जाए, ना कि इनकी पुलिस कस्टडी में। यू वांट टू किल मी। परमिशन ग्रांटेड। अपने आप पर काबू रखो, कंट्रोल यसल। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। जाए चिमाए चिलोंगी लाइटी कुतरिया। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था वो पूरा हुआ। गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है उससे खुश होकर
सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर नामांकन पत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरफ के मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह दो शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद, जय हिंद। जिसका अफसोस करने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा कावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। मासूम को? What the hell, मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था। अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता है तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, पर मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझमें और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझमें और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धर से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा सर। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे तेरे साले को मिले। अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा। ऑफिसर, काबा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फॉरेन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर। आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई।
के बाद गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट सर। गावा फिरोजी, सर चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, उसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टीज सीज कर ली हैं, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा। आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं। उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हराम खोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख, देख कैसे तड़प रहा तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौत दूंगा मैं उसे। के बाद ही अपनी शक्ल देखूंगा मैं तुझे। अकेला आदमी अपने काबिलियत के बूते पर क्या कर सकता है, ये डीसीपी करण सिंह ने करके बताया। इन्होंने मुंबई शहर से सारे जुर्म और आतंकवाद का सफाया किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे डीसीपी करण सिंह को आउटस्टैंडिंग सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करें। चाहे हो आसमां, कोई फासला ना होगा अब हमारे दरमियान। ये रंगों का मौसम है, ये खुशबू की अगनाई, एक दूजे में खो जाए, कहती है ये तन्हाई। इस जगह को, इस फिजा को ना भुलाना, मेरी चाहतों का पनाहों में मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। सदियों की दुआ के बदले महबूब हसीं मिलता है,
जुल्फों की घनी छाओ में दिलकश लम्हा ढलता है। तुमसे मिलके मैंने समझा मैंने जाना, नजरों की बेखुदी का ये सलाम याद रखना। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। कबीर ये तुम्हारे। थैंक यू दीदी। करण, काश तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी होते जिन्हें इतना भी याद रहता कि ये गैरतमंद यतीम किस हाल में जीते हैं। इन बच्चों के रहने के रूम्स, उनके स्कूल का फर्नीचर, उनकी छोटी छोटी बेसिक नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पाते। करण तुम तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे तो वो जरूर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। You're right, काजल, हम एक फंडरेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फादर आप फिक्र मत कीजिए, आखिर हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में तो है। God bless you, my son. Beloved children of God, क्या आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं उन बच्चों का सहारा ईश्वर अपने प्रिय लोगों को बनाता है, और इसी कॉज के लिए ईश्वर ने आप सबको चुना है। माई डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर गॉड ऑलवेज हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ्स। आज का शुभ दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये तुम्हारी एफर्ट्स का नतीजा है माई सन कि आज हम बच्चों के लिए 3,25,000 रुपए इकट्ठा कर पाए। द क्रेडिट गोज टू यू। कन भैया ये कोई बैग देकर गया। अच्छा, हाय बेटा, हाउ आर यू? माय गॉड, इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं। लगता कोई गुप्त दान देकर गया है। कौन हो सकता है जो आश्रम के बच्चों को इतने लाखों रुपए दान कर दे? इससे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फादर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऑल योर्स। कब हुआ ये? आई थिंक इन द मिडनाइट बिटवीन 12:30 एंड 1। सुबह जब सिस्टर ट्रेजा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने फादर जोसेफ को हैंग पाया। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। उस्मानम के लिए ले जाओ। एक्सक्यूज मी डीसीपी करण सिंह। यस। धनंजय कदम फ्रॉम सीबीआई। हमें फादर जोसेफ का एक सुसाइड नोट मिला जिसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। आप हमारे साथ चलिए। चलिए। डीसीपी करण सिंह पर अनाथालय के फंड का गबन करने, वहाँ के बच्चों को विदेशों में बेचने और साथ में ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सीबीआई को डीसीपी करण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दे दिया है। करण, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज तक मैं अनाथालय को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथालय के बच्चों को विदेशों में बेचने में तुम्हारा साथ देने का पाप करता रहा, मगर अब जो तुम मुझे करने पे मजबूर कर रहे हो उसे मेरा जमीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है। फादर ऐसे लिख ही नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है ये सुसाइड नोट झूठा है और इस पर फादर के जो दस्तखत हैं क्या वो भी झूठे हैं? जब ये चिट्ठी ही झूठी है फिर फादर जोसेफ से आपका क्या रिश्ता था? इंसानियत का। हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे? वो कोई बिजनेस नहीं था। अनाथालय के लिए कोई 50 लाख का गुप्त दान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा
किसी को पता नहीं था। गुप्तदान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो 25 लाख रुपया जमा हुआ, क्या ये भी गुप्तदान था? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ये गुप्तदान है या कुछ और मिस्टर कर? देखिए, आप वहां गंदगी ढूंढ रहे हैं जहां कुछ है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? फादर जोसेफ ने अपने खत में कबूल किया है कि वो आपके साथ मिलकर अनाथालय के बच्चों के साथ ड्रग्स लेने और ले जाने का काम करने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। ये ड्रग्स फादर जोसेफ के ऑफिस से बरामद हुए मिस्टर करण। ये झूठ है, कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम्हारा कोई दुश्मन? पता नहीं। तो फिर वो कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? अगर मुझे पता होता तो मैं। हेलो, जरा डीसीपी साहब को फोन देना प्लीज। सॉरी मैडम, फोन अंदर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं? अच्छा, जब वो बाहर आए तो उनसे कहना घर पे फोन। ओके ओके मैडम। अरे लाइट को क्या हो गया? भैया हमने तो कोई फोन नहीं किया। पूरे इलाके का लाइट गया हुआ है। मुझे आपका लाइट मीटर चेक करना है। आई प्लीज कम। लाइट का मीटर उधर है, लेफ्ट में। जी, और मिन का? उधर। काजल, काजल, ए काजल, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था घर में? लाइट चली गई थी। वो बीएससीएस वाला आया था, उसके बाद मालूम नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। करण, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, तुम्हारी कोई इंक्वायरी चल रही है? हाँ, इंक्वायरी चल रही है। किस बात की इंक्वायरी? अरे पता होता तो बताता ना। इंक्वायरी क्या पता मुझे किस बात की चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। Did you want?
मौत का फैसला तो होता ही रहेगा। फिलहाल मुझे यह देखना है कि तेरे हाथों में अभी ताकत है या नहीं। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे यहां से जाने दूंगा। तो हाथ से लड़ेगा या एक से? That's the spirit. मेरे सिकंदर को मार के और मुझे पकड़कर तूने बहुत शौहरत और नाम हासिल किया है। एसीपी से डीसीपी, तेरा करियर आसमान को छूता रहा और साय की तरह मैं हमेशा तेरे पीछे रहा। लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि तू मेरे सामने है। तो हार गया कावा। Come on, come on, come on, boy. Come on, come on. अब भी जान बहुत है, हाँ? Come on, come on, come on. अभी तो तेरी परेशानी शुरू हुई है। हेलो मामा, कल वो बिना बताए घर से चले गए थे। अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई खबर। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। नहीं, तुम बिल्कुल मत घबराओ काजल, मैं पता लगाती हूँ। शाजिया, कमिश्नर अंकल, मैं काजल बोल रही हूँ। करण का 2 दिन से कुछ पता नहीं है, कोई मुझे बताता भी नहीं कि वो कहाँ है। प्लीज हेल्प मी अंकल, कहीं उन्हें कुछ। डोंट वरी बेटा, आई विल लुक इनटू द मैटर, ओके? मुझे मार के नहीं देता, मारते मुझे। तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तो जिंदा रहे। गुड नाइट। करण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, काजल बहुत परेशान है, आप कुछ कीजिए ना। घर जाना है ना, बीवी इंतजार कर रही होगी। ले थोड़ा पी के जा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई वो? जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है तो क्या मुझे शराब नहीं पिला सकता? उसने मुझे शराब पिलाई और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया और फिर मुझसे गाड़ी वो। डीसीपी करण सिंह, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस हरकत से फुटपाथ पर सोए हुए लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है? वो मैंने नहीं किया, वो गावा फिरोजी ने, उसकी वजह से। सर बस एक बार सर गावा फिरोजी मेरे हाथ में आ जाए ना सर, मैं। गावा मर चुका है करण। नहीं सर, वो जिंदा है, तभी तो मैं आपको। मेरी बात, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ कि वो जिंदा है। चलिए। ये फिटनेस सेंटर कब से चल रहा है? 20 years. आप कितने साल से हैं? 7 years. अच्छा, थैंक यू। वेलकम। डीसीपी करण सिंह, ध्यान में रखकर।
करण, सब ठीक हो जाएगा करण, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। करण, करण मुझसे बात करो ना करण, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो करण, प्लीज बात करो मुझसे करण, प्लीज टॉक टू मी करण, करण लिसन टू मी। जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन है, जवाब दीजिए। आपका मानना है कि गांव फिरोजी जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, बोलिए आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। आप जैसा कानून का रखवाला ऐसी हरकत करेगा तो आम जनता का क्या होगा? डीसीपी करण, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? करण, हर चीज के लिए मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सामने भी तो वही फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं। सच्चाई सिर्फ एक है, कावा फिरोजी। अफसोस है कि सच्चाई तुम्हारे सिवा और किसी को नजर नहीं आ रही है। कावा फिरोजी है सर, वही मुझसे बदला ले रहा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड करण, कावा फिरोजी मर चुका है और एक मुर्दा क्रिमिनल के लिए तुम्हारा इतना जुनून तुम्हारे खिलाफ सबूत बनता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक इस केस की कानूनी तौर पर पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम्हें नौकरी से मुअत्तल करने का हुक्म। यू आर सस्पेंडेड। अर्जुन सिंह सर, आज से इस केस के इंचार्ज आप हैं और इसकी पूरी कार्रवाई का जिम्मा आपका है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद न थी। To hell with your inquiry and to hell with your sister. क्या बात है करण, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं। I know, तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया ना। किसने बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया? तुम क्या समझते हो, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा? मुझे अंधेरे में रख के तुम्हें क्या मिलेगा करण? सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर रही हो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारी मदद अगर ना भी कर सकूँ फिर भी तुम्हारी फिक्र करने का तो हक है ना मुझे। क्या मिलेगा तुम्हें? फिक्र करती हूँ मैं। फिर तुम ही बताओ कि क्या करूँ मैं, अपनी आंखें बंद करके सब कुछ अनदेखा कर दूँ? उस दिन भी घर से ऐसे चले गए, पता नहीं किसका पीछा कर रहे थे। 3 दिन तुम घर से गायब रहे हो, दिल नहीं मानता है, फिर भी दिमाग 1000 सवाल पूछता है। तो अब सीबीआई के साथ साथ मुझे घर में भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा? हाँ देना होगा। तुम मुझ पर शक करती हो, मुझ पर? तो मैं क्या करूं, तुम्हारी झूठी बातों को सच मान लूं? मुलायजा हो, अर्ज है। कभी अक्का कभी अद्धा कभी पौवा भी पीते हैं, अगर फोकट की मिल जाए तो मटका भी पीते हैं। पकड़ कर ले चले पुलिस वाले मुझे थाने में, मैंने कहा जरा ठहरे हुजूर, मेरे अब्बा भी पीते हैं। बोलो टिकरा, क्या मांगता है? है क्या मांगता है, मैं तुझे मांगने वाला लगता हूँ? अबे तू क्या देगा, मैं क्या लूंगा, तू खुदा है तो मुझसे पूछता क्या मांगता है? हजरत यह है नकली गुजरात, नशे नशे में हर चेहरा उल्टा नजर आता है, बजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ओए उल्टी चीज है भिड़ो मत पी, तू इसका आदि नहीं है, बुरी चीज है, मत पी मेरे भाई। मेरी जिंदगी से ज्यादा बुरी तो नहीं? टैक्सी, आज मैं उसकी निकाहों में गिर गया जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी काजल। शक करती है मुझ पर, सब उस कावा फिरोजी की वजह से। जिंदा है वो? कावा फिरोजी जिंदा है? जिंदा है वो? कोई यकीन ही नहीं करता। मैं करता हूं यकीन, मैं जानता हूं साहब, गावा फिरोजी जैसे शैतान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो फन फैलाए कहीं ना कहीं अपना जहर उगल रहा होगा, मरेगा, जरूर मरेगा जब तुम उसे मारोगे। तुम
तुम उस हरामखोर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैं और मेरा भाई इसके लिए काम करते थे। एक दिन उसने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उससे इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ा दी, इसलिए भेष बदल बदल कर उस हरामखोर से अपनी मौत को दूर रखता रहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि उस दरिंदे को एक दिन तुम ही मौत दोगे। मौत दूंगा, बस एक बार सामने आ जाए। बहुत जल्द मैं तुम्हें खबर दूंगा कि गांव फिरोजी कहां छुपा हुआ है। बस तुम मीटर डाउन मत करना, टैक्सी बहुत जल्द मिलेगी। और दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। क्या देख रही हो? देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा। देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, चाहे भी तो क्या चाहे तुम्हारे सिवा, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे सिवा, मांगे भी तो क्या मांगे तुम्हारे सिवा। Thank you.
साहब, आपके लिए कोई देकर गया है। क्या? आप लोग क्यों मानेंगे, मैं पागल हूं ना, सबूत चाहिए ना, अब पता चल जाएगा। देखिए, ये मैं नहीं हूं काजल, ये मैं काजल है, मैं, ये सब झूठा है, झूठ है, ये सब, देखिए ये सब झूठ है कमिश्नर जी, ये मैं नहीं हूं कमिश्नर, देखिए इसे लाए कमिश्नर, ये सब झूठ है, ये मैं, मेरी बात मानिए काजल, काजल ये सब झूठ है काजल, लेकिन काजल ये मेरा यकीन करो काजल, मैं तुम्हें मार दूंगा, कहे तो सामने मेरा, मैं मार दूंगा काजल। पति के घर से एक पत्नी की अर्थी उठती है ना माँ, क्या इस लाश को इस घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ऑफिसर को मैंने महकमे की शान बढ़ाने के लिए बुलाया था वही महकमे की शर्म बन के रह जाएगा, और जिसे मैंने अपने हाथों से डीसीपी का तमगा लगाया था उसे डिसमिस करने का हुक्म भी मुझे ही देना पड़ेगा। करण, अपना आई कार्ड और वेपन सरेंडर कर दो। यू आर डिसमिस्ड। ये क्या कर लिया आपने साहब, क्या चाहते हैं आप? मार देना चाहता हूं, मार देना चाहता हूं साले को, साई की तरह मेरा पीछा कर रहा है वहां। कौन? ओए काबूल! अरे साहब, अरे मर दे तो सामने आ, क्या बुजदिलों की तरह चुप रहा है साहब? अरे सामने आ मेरे साहब, सुनते जाइए प्लीज। हराम घर साहब, मेरी बात सुनिए, काबा फ्रोजी हाल के ले आओ साहब, आप लोग मैं भी आया।
आपको देख के सलाम गेम खेल गया सलाम गेम खेल गया साहब, इससे पहले कि मेरा खून के दाम आपके सर पे लगे, चले जाओ साहब, चले जाओ साहब, गांव को मारने के लिए आपको जिंदा रहना होगा साहब, चले जाओ। अपने तो मीटर डाउन हो गया साहब, टैक्सी आपको सलाम करता है, सलाम। टैक्सी? अर्जुन सिंह, तुम्हें अपने रिश्ते की परवाह न करते हुए करण सिंह को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है, जिंदा या मुर्दा। सर। आई विल नॉट टॉलरेट एनी लैप्सेस, टाइटन द डैम सिक्योरिटी, अगर भागने की कोशिश करे शूट हिम। हाँ हाँ पहुंच रहा हूं। करण को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन ये मत भूल जाना काजल तुम्हारी बेटी है। रुक्मणी, ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था। तब मुझे उसकी खुशी प्यारी थी, आज उसका सुहाग। एक तरफ तुम मेरे हाथ में हथियार दे रही हो और दूसरी तरफ ये सब बोलकर मुझे निहत्था कर रही हो। वो गुनहगार है रुक्मणी, उसने जुर्म किया है। अगर कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने लगे तो ये शहर जंगल हो जाएगा। शायद कानून बना ही इसीलिए है। कानून किस लिए बना है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता कि शक और इल्जाम की पहली बारिश में भीग कर बह जाए। सारी दुनिया भी अगर करण के खिलाफ हो तब भी मैं नहीं मानूंगी कि वो गुनहगार है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पापा, आज मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुहागन मरूं। मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? बचा है काजल, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। काजल, मैं सब कुछ खो चुका हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं तुम्ही से करती रहूंगी ना। तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ति चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सकूं और दुनिया को यह साबित कर दूं कि कावा फिरोजी जिंदा है। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मारकर। मेरे लिए अब ये युद्ध की शुरुआत है। गिर चुके हो, भागने का कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। पापा, नहीं, हट जाओ आगे से। नहीं, मैं कहता हूं हट जाओ। रुक क्यों गए पापा? चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, शूट मी। टैक्सी, टैक्सी, जू विले पाले। पुलिस
थैंक यू अंकल। करम भैया। कबीर। करम भैया। करम भैया, वो काजल दीदी को, वो काजल दीदी को गावा फिरोजी ले गया। जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं। अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, उसी दर्द से मैं करण को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है कावा। करण जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूं वो आए, मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ लैंडमाइंस और बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर वो इन सब से बचकर यहां तक पहुंच भी जाता है तो नसीब वाला है जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते देखेगा। उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खौफ उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। गौर से देखना उसकी आंखों में, तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी। मेरी बीवी
अपनी बीवी की चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना? हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे। हरामखोर, अपने भाई की चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना थाली को। मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख तेरी सुना।
ले लो।